हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए जॉन एलिया की बेस्ट सैड पोइट्री का रिएक्शन। और ये जो है सारी उनकी सैड पोइट्रीज का कंपाइलेशन है। हमने उनकी ऐसी क्लिपिंग्स देखी हुई है, एक दो क्लिपिंग्स देखी हुई है जहाँ पर उन्होंने एक दो पोएम्स अपनी सुनाई हुई हैं सो, लेकिन हमेशा थोड़ा सा दिल जो है कह सकते हैं खाली रह जाता था। तो लेकिन किसी ने हमें वीडियो भेजी है, तो इसमें उनकी मोस्ट बेस्ट आप कह सकते हो बेस्ट 30 वीडियोज़ कुछ हैं उसका कंपाइलेशन बनाया हुआ है, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से उनके वो एक 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 उनके जो बेस्ट कह सकते हैं शायरी है वो उसमें डाली गई है। तो देखते हैं वीडियो कैसी हो। और हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी है जॉन इलिया की, बहुत सारी। और मैं मतलब जॉन इलिया की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जो शायरीज होती है ना वो बिल्कुल ऐसे दिल में लगती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखो, सबसे ज़्यादा हमारी तो लैंग्वेज भी नहीं है उर्दू, फिर भी हम लोगों को काफ़ी हद तक 70-80% तक हम लोगों को चीज़ें समझ आ जाती है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है तो समझ आ जाती है। और मोस्टली वरना लोग जो जैसे शायर स्पेशली उर्दू शायर होता है उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने उसकी अर्थ रूल से रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शायरी सुनी थी, तो कुछ कुछ हम लोगों को समझ आई थी, कुछ कुछ नहीं आई थी, जवाब शिकवा वगैरह। और सेम लेकिन जॉन इलिया की शायरी बहुत अच्छी होती है और बहुत इजी भी होती है। और सेम अभी तक मैंने जितनी सुनी मुझे तो सारी अच्छी लगी, और हम काफ़ी टाइम बाद ही सुनने जा रहे हैं, तो सीरियसली मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। भाई बहुत टाइम बाद एक शेर व शायरी वाला माहौल बनेगा, देखते फिर आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर, सोचता हूँ उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है। उस सरापा वफा की फुर्सत में ख्वाहिश है क्यों जगाती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत वाह यार, कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। वाह वाह। बस मुझे यूं ही ख्याल आया, सोचती हो तो सोचती हो क्या, इश्क जा बेदानी है आखिरी बार मिल रही हो क्या। वाह। वाह यार, कमाल किया है शायद। तुम खून धुलती हो ये सुनकर खुशी हुई। वाह। तुम खून धुलती हो ये सुनकर खुशी हुई, इस रंग इस सदामती को उतार ही रहो। ओए तेरी यार हदों की, क्या जबरदस्ती। देखने वाले नहीं, वो कट गया, वो पहले वाली थी। वाह कमाल है यार। वो जो तामीर होने वाली थी, वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में। क्या कह रहे हैं, क्या बात है। हाय उसको हमने किया ये
ये वो इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तेज रखा हुआ, उसकी वजह से कहना मुश्किल है। कितने शोराते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने ऐसे लोग होंगे जो उसको बुलाते हैं। कितनी सुंदर शायरी लिखते हैं ये। हाँ मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवाने। कमाल है यार। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, वो तो सिमटते होंगे उनमें, वो तो मर जाते होंगे। ओ तेरी वाह, उसकी भाव में जो सिमट जाए वो मर जाए। वाह, वो जो आने वाला है ना उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, बेजार हो गई हो तो बेजार ही रहो। वाह, सीधा सीधा ठोका है। लिटरली मैं इनकी फैन हूँ। दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है मेरी आखिरी मोहब्बत को। यार ये छोटी छोटी जो इन्होंने क्लिप्स करी है ना, इसको कलर कर। कितना दिल का शोकम, कितना हिंदी हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। आहा, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, ऐसा सितम। मुझे समझ ही नहीं आएगी वाला। तुम ये जमीन पर हो, मैं उसका खुदा नहीं, बस सरबसर असियत व आजादी हो। वाह, बाल मेरे सामने आती रही, हर बात मेरे सामने आती रही, हर बात तुमसे मिलकर गुजारता रहा। क्या है तुमसे मिलकर, पता नहीं यार, सुन नहीं रहा अच्छे से। गैर से रही हो तुम जरा होशियार, वो तेरे जिस्म के हवस में। ये भी मुझे समझ नहीं आया, बहुत जल्दी कटिंग हो रही है। दीदी क्या यूं ही गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। आहा, जो बहुत बढ़िया बढ़िया निकाली है। किताबों ने मेरे पर ऐसा जादू किया। बाद भी तेरे जाने जा, दिल में रहा जब समा, याद रही तेरी फिर तेरी याद भी। अरे रे रे, ये बहुत सैड थी। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, वो तो सिमटते होंगे उनमें, वो तो मर जाते होंगे। ये वही पहले वाली पर बहुत बढ़िया है। उसकी उम्मीद नासा हमसे ये मान था, क्या उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दीजिए। हमने देखा तो हमने ये देखा, हमने देखा तो हमने ये देखा, जो नहीं है वो खूबसूरत है। हमने देखा जो नहीं है वो खूबसूरत है। मोहब्बत में है नजा, मैंने ये सब कहा था, वफादारी रहो। कमाल है यार। हाय हाय, हम हार कर ये सोचता हूँ, वो क्या है
वाह यार, खुद भी नहीं जानती हो तुम, तुम कौन हो? ये खुद भी नहीं, मैं कौन हूँ खुद भी नहीं जानता हूँ मैं, तुम कौन हो? ये नजदीक आते जा रहे हो, नजदीक आते जा रहे हो, निशाने का इरादा अच्छी वीडियो थी, बस मेरे को यही वीडियो से शिकायत थी कि लाइक ये ना इन्होंने क्या किया था कि लाइक ये पूरी शायरी कंप्लीट होने नहीं दे रही थी, वैसे ही कट कर रहे थे मोस्टली शायरी में इन्होंने ऐसे किया, तो इस वजह से ना चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ कुछ जो शायरी समझ आई वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इससे कि मतलब जो जॉन इलिया ना यार, मतलब काफ़ी ऐसे लिखता है कि उनका काफ़ी दिल टूट रखा है, ठीक है। एक उन्होंने शायरी करी तुम मेरे पास आ रही हो क्या, तुम मेरे पास आ रही हो अब क्या बिछड़ने का इरादा है, एक उन्होंने कहा कि तुम मेरे रूम मतलब ऐसे मेरा कमरा से जा रहे हो तो तुम कमरा से जाकर क्या करोगे, मैं तो ऐसे किताबों का ही मतलब किताबों में ही घुसा रहता हूँ। फिर एक उन्होंने ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तुम कौन हो मैं कौन हूँ ये ना तुम्हें पता है ना ही मैं पता है मुझे पता है, मतलब एक इंसान में कितनी पावर होती है ना, बेसिकली ना उसको पता होता है ना ही मतलब उसको नहीं पता होता, और जब तक वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करता तब तक उसको पता भी नहीं चलता कि उसमें कितनी ज़्यादा कहते हैं ना या फिर पावर है, बेसिकली इंटेलिजेंस है, कुछ मर्जी है कितनी है उसमें। तो मेरे को जॉन इलिया की शायरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, हालांकि ये ना ऐसे लिखते हैं कि जैसे इनका काफ़ी ज़्यादा दिल टूटा है, ऐसी हार्ट ब्रोकन शायरीज लिखते हैं, लेकिन इनकी शायरी ऐसी होती है कि मतलब ऐसा लगता है कि वो आप चाहे ना आपके साथ बीती भी नहीं होगी ना तब भी आप इसको मतलब ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हो आप इससे। तो मुझे जॉन इलिया की वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, हालांकि मुझे बस वीडियो से इतनी कंप्लेन है कि लाइक अगर कोई क्लिप्स को जल्दी जल्दी कट ना करो देना तो और चीज़ें समझ आती और ज़्यादा मज़ा आता, और जो पीछे गाना था वो भी काफ़ी ज़्यादा लाउड था तो उस वजह से ना वो चीज़ सारे मतलब वो ले रहा था तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन जितना समझ आया वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वही, और पूरी वीडियो की वो सैड टोन थी जिस तरीके से वो बोलते हैं ना, और लाइक उनका एक बोलने का तरीका भी वैसा है कि लाइक ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा इन्होंने सहन किया हुआ और ये बहुत बिछड़े हुए हैं ऐसी चीज़ें, बिकॉज वो एक दर्द के साथ अपने पूरा वो झूम के कहते हैं और उस तरीके से, तो और जैसे उनके आजू बाजू भी बैठे होते हैं वो भी उनके साथ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि भाई क्या बोल रहे किस तरीके से, और लाइक कुछ कुछ वही जो और उनके क्या मेन तो क्या इनकी शायरी इतनी ज़्यादा मैं पसंद है कि हम ऐसे कुछ भी मिस करना नहीं चाहेंगे। इसलिए वीडियो के अंदर जब वो कट आ रहा था ना तो गुस्सा आ रहा था यार, इसकी बात इतनी अच्छी लग रही थी लाइन, ये क्यों टोक दिया और वहाँ पर क्यों हमें रोक दिया इस, क्योंकि जो बाकी लाइनें जो सुनाई दी है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी कि लाइक वो कह रहे थे कि तुम बेजार हो तो बेजार ही रहो, लाइक मेरे को क्या करना है उस तरीके से, लाइक उनका एक एटीट्यूड भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सैड भी थे, लाइक वो कैसे थे तुम्हारे मुँह से खून निकलता है, तो फिर इस तरीके से उन्होंने वो पूरी वो वाली लाइन भी बहुत अच्छी लगी थी मेरे को, और ऐसी बहुत ही कमाल की शायरी है इनकी, ऐसे और भी बहुत सारे शायर हो पाकिस्तान के, तो हमें कमेंट जरूर बताएगा, जैसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।